माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका जरा हटके बाय वैशाली सेठी नवरात्रे स्पेशल। आज हम बनाने जा रहे हैं धनिये की चटनी, जो कि आप नवरात्रों में भी खा सकते हैं। और हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने ये थोड़ा धनिया ले लिया है, 2 चम्मच दही है, छोटी 2 हरी मिर्च है जिसको मैंने कट कर लिया है, 1 नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जार में अपने धनिये को डालेंगे। इसमें मिर्ची भी डालेंगे हम। जार में हमने धनिया और मिर्ची डाल दी है, इसको हम ग्राइंडर में एक बार चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका धनिया नहीं पिस रहा है इसमें, तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं इसमें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करिएगा, नहीं तो बहुत पतली हो जाएगी ये। हमारी चटनी पिस चुकी है, हम अपनी चटनी को एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए चटनी पिस चुकी है। हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, अपना नींबू का रस भी ऐड करेंगे हम, 1 चम्मच दही डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। दही आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा भी कलर पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 चम्मच डाला, मुझे ये अभी थोड़ी हरी लग रही है, मुझे थोड़ा सा कलर इसका और लाइट चाहिए, तो मैं 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खट्टापन ज्यादा चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी बन चुकी है, कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनके तैयार है, धनिये की चटनी है। इसमें मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया, व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी आप खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, चीले के साथ, सबके साथ आप इसे एंजॉय करिए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।